शानू भाई, पिछले लगभग 3 हफ्ते से शहर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर विधायक जितेंद्र आवाड द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर के काफी माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने की लगातार अलग अलग राजनीतिक दल और कुछ संस्थाओं द्वारा और लोगों द्वारा मांग की जा रही है, और एक सवाल जो है सोशल मीडिया पर और पूरे शहर में लगातार उठाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कई मुस्लिम नगर सेवक हैं, कई मुस्लिम पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई मुंह नहीं खोला, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो और इसी में उलमाओं को भी जोड़ा जा रहा है, तो उलमाओं का सवाल मैं, एक लंबा सवाल है वो दूसरा मैं सवाल लूंगा आपसे, लेकिन पहला ये सवाल है कि अंतर्गत आप भी एक मुस्लिम है, रिटुअल जो है आप पूरी तरीके से पालते हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप जैसे नेताओं ने विधायक जितेंद्र आवाड़ जी से कभी कुछ इस पर चर्चा की, कुछ बात की उनके वक्तव्यों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ आज 2-3 हफ्ते से हो रहा है, हम लोग जिन लोगों को करते हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति का हिस्सा भी दिख रहा है। लेकिन मैं राजनीति के हिस्सों को हटा के एक पहलू जो आता है एज अ मुस्लिम, एज अ एक सामाजिक न्यूट्रल आदमी, जो लोग सोचते हैं वो हिसाब से बोलूँगा। एक बात, सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जिसके 4 मानने वाले हो, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों के भावना को आहत ना पहुँचे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे रिलीजियस को धक्का लगे, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और ऐसे में अगर उधर भी हम बोलते, जिस जगह पे एक हिस्ट्रिकल हिसाब से, राजा के हिसाब से देखेंगे तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अलग लोगों के बारे में सोचे, कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो एक दीनदार, टोपी सिल के अपनी बादशाहत को जिंदगी देने वाले बुजुर्गाने दीन, उनके हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है। इसलिए हम इस बात को हमेशा से इनकार करते हैं और मानते भी नहीं जो कोई ऐसा कोई बात भी बोलता है। हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गाने दीन थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के अपने उन्होंने जिंदगी का बसर किए थे, और एक नमाजी परहेजगार इंसान थे। ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गाने दीन, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, ये हमने हमारे दीन से भी पढ़ा, इसीलिए यही चीज़ हमने हमारे जो नेता है उनसे भी ये बात का विरोध जताया बाकायदा कि हमको ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद काम है, हम लोग काम के ऊपर बात करना चाहिए। हम लोगों से कभी, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्लेटफॉर्म रहा है कि वो जात धर्म से हटके सभी को लेके हित के हित की बात की है, तो 4 लोगों की भी भावना दुखती है तो वो भी बात नहीं करना चाहिए। ये तो एक कम्युनिटी का मामला है, और हमारी नज़र में तो वो एक रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्गाने दीन थे और एक नेक नमाजी परहेजगार थे, वो ताउम्र हमारी नज़र में वो वैसे ही रहे। तो इस मसले में जैसे आवाड साहब ने ये टिप्पणी की है और लोगों में नाराजगी है, तो उनकी तरफ से आप मतलब माफी मांग रहे हैं, मतलब माफी चाहते हैं? मैं एक बात मतलब दुख जता रहे हैं इस बात। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आवाड साहब की तरफ से मुझे माफी मांगना है तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफी मांगता हूँ, और माफी मांगने की बात नहीं, मैं एज अ मुस्लिम, मुझे भी इस चीज का दुख है, माफी मांगने मुझे भी दुख है ना, मैं मुस्लिम हूँ ना, पहला मैं मुस्लिम हूँ फिर मैं कोई पार्टी में, अगर मेरे मुस्लिम हो, अगर मैं शरीयत में ही नहीं रहूँ तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी के सामने बोला, और मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना कि वो एक समझदार आदमी, ऐसी चीज़ों से उन्होंने कभी भी परहेज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात को, ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी काम के लिए, डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीज़ से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और एक बात, सारी दुनिया के लोग, चाहे कोई भी बादशाह, पूरे लोग सभी मिलके भी ताकतवर एक तरफ हो जाए और अगर बोले कि इस्लाम में जिनको हम हीरो मानते, जिनको हम मानते, जिनके बारे में हमने हमारे बाप दादे से सुने, वो गलत है और इस्लाम गलत है और इस्लाम अमन परस नहीं है, तो वो सारी दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ भी हो जाए तो भी हम उससे मानते नहीं, जो इस्लाम में है
वो इस्लाम का एक जेर बदर भी हट नहीं सकता, एक अल्लाह के मानने वाला जब तक इस दुनिया में। शानू भाई शिकायत ये रही है कि आखिर इतनी देर से क्यों आया आपका स्टेटमेंट, ये देखिए काफी गुस्सा, उसके बाद में भी उनका एक स्टेटमेंट और आया, किसी को हमदर्दी नहीं है, अपने बयान पर कायम हूँ जो तारीख में वही कह रहा हूँ, तो इस चीज पे क्या कहेंगे? मेरी बस सुने ना, मैं उन्होंने उनका मैंने दो स्टेटमेंट सुना, एक तो ये कि उन्होंने जो बोला, फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी सुना जो उन्होंने अच्छा ही बात भी बताई वैष्णव मंदिर के बारे में जो है। हाँ, अच्छा ही वैष्णव मंदिर को तोड़ाने के कारण वो सब भी बताया गया। तो अब कौन सा क्या पहले आया उस पर मैं डिटेल जाता हूँ। मैं एज अ मुस्लिम नुमाइंदा, एज अ मुस्लिम पर्सन ये इकरार करता हूँ, और हमने अपने पक्ष के अंदर हमारे आला कमांड हमें सभी लोगों को ये अपना बता दिया गया है कि ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए और ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी भी लोगों को आहत हो, चाहे वो चार जन को मानने वाला नहीं हो, उनके मानने वाले तो एक बड़ा तबका है, उनका मानने वाला तो एक बड़ा तबका है जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा मानता हूँ। अभी इसी मुद्दे को लेकर के कुछ वीडियो भी एक वायरल हुआ है, कुछ राजनीतिक दल के पदाधिकारी है उलमाओं को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और उलमाओं को दलाल तक दलाल शब्द का प्रयोग किया। तो क्या मतलब ये जो अब इस तरीके का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इस तरीके की जो बातें हो रही है, कहाँ तो उचित लगता है आपको? यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम लोग जिनको इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, हम कुछ जाहिल लोग, हम उन उलमाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे जिसके बारे में हमें कता ही नहीं करना चाहिए। मैं आपके जरिए ये आग्रह करना चाहता हूँ और विनती भी करना चाहता हूँ, और मैं ये भी डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए शहर में कोई भी अपने राजकरण के नहीं के लिए उलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी ना करे। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दीनदारी मामले में काम किया होगा, एक नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, कुछ तो होगा जो उनको उलमा बोल रहे। और उलमाओं का अगर आप एक उलमा को बोलते हो तो महाराष्ट्र देश में ऐसा लगता सभी उलमा को कैटेगरी में आ रहे, तो कुछ उलमा बोलने से नहीं चलेगा। उलमाओं से अगर आपको शिकायत है, आप उनकी खानकाह मस्जिद मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हमको ये शिकायत है, उनसे जवाब लीजिए। लेकिन हम कोई भी उलमा को ऐसी टिप्पणी करें कि कोई भी उलमा को हम ऐसी टिप्पणी करें कि वो दलाल है, ये बहुत गलत बात है और इसकी निंदा करते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको साफ बोल देता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं एनसीपी के लोगों के साथ सभी पक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी लोग अपने उलमा कराम पंडित धार्मिक भावनाओं के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करें पॉलिटिक्स के लिए, वो एक अलग चीज़ है, उसे पॉलिटिशियन के लाइन पर लाया ना जाए। हाँ, हर आदमी के कुछ उलमा, कुछ दीनदार, कुछ पंडित अलग अलग पार्टी के मानने वाले हो सकते हैं, जिनका झुकाव हो सकता है, लेकिन वो एक पक्ष के नहीं होते, वो एक समाज के होते और उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। उनको अगर 400 लोगों ने भी उनके दिल में रिस्पेक्ट है तो वो 400 लोगों को रिस्पेक्ट कमाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उनको काफ़ी वर्ष लगे होंगे। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर कड़ी नज़र लगना चाहिए। अगर उलमा खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुजदिल है, वो इस शहर के वातावरण को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश है। और आपके ऊपर, आपसे भी मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रेस के माध्यम से भी समझाए, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रेस का डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उलमाओं के साथ ताल्लुक से टिप्पणी करें। आपको टिप्पणी करना है, अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो हम आप पॉलिटिकली टिप्पणी कीजिए, सामाजिक टिप्पणी कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म के ताल्लुक से पंडित उलमा पादरी कोई भी जमात के लोग उनको प्लीज सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे ऐसी बेइज्जती ना करें। जिस तरह से उलमाओं का नाम सामने आया, चाहे वो MIM पार्टी के लोग हों या और दूसरे लोग हों जो विरोध किए थे, उन्होंने सभी उलमाओं को नहीं कहा था, ऐसा उनका कहना था कि कुछ उलमा ऐसे हैं जो सिर्फ NCP के ही उसमें देखे जाते हैं और किसी दूसरे मामले में सामने नहीं आते हैं। मेरी बात, मैं उन्हें ऐसा कह के उन्होंने ऐसा कहा, मैंने शुरुआत में ये कह दिया कि आप समझिए, हम लोग कभी हम इस जगह पे रहते तो मेरे से भी कोई बेचारे किन जगहों का मदरसा मस्जिद वालों का मैंने काम किया, कोई अलग अलग काम किया तो वो इत्तेफाक रखते, लेकिन वो कोई पार्टी के नहीं होते, उलमा कोई पार्टी के नहीं होते। नहीं तो उनका ऐसा कहना था, अगर आप एक मिनट रुकना, अगर आप एनसीपी के एनसीपी के वक्त पे आ सकते थे तो फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मामले में क्यों नहीं सामने आए? ऐसा उन लोगों का आरोप था। अपनी पॉलिटिशियन के नहीं है,
उलमाओं को दलाल ना बोले। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक पांच वक्त के नमाजी को भी दलाल मत बोले। अगर वो दिल्ली में तालिक इदारे से ताल्लुक रखता है, वो बाजू में बैठ गया तो वो एनसीपी का पदाधिकारी नहीं। आपको अगर बदतमीजी बोलना है आप हमारे पक्ष के कोई लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें उलमाओं को घसीटे नहीं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, वापिस बोलता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला इसकी शुरुआत मैं एनसीपी से चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई कार्रवाई होगी जिस तरीके से बोला है? मैं अपनी 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 पार्टी से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि प्लीज उलमाओं के ताल्लुक से प्लेटफॉर्म ऐसा ना बनाइए ताकि हमारे उलमाओं की बेइज्जती हो। ये मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूँ, अपनी शुरुआत मैं अपने से करवा रहा हूँ, और फिर वो सबको होना चाहिए। लेकिन सानू भाई सवाल तो उठता है ना कि जब आप लोगों का मामला हुआ था, तमाम उलमा इकराम जो है आए थे, आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन खत्म कराए, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामला आया तो कहीं कोई उलमा सामने नहीं आया, तो इस वजह से लोगों ने सवाल उठाया। आप लोगों का मामला नहीं हुआ, इस शहर के अंदर 354 जैसे फर्जी मुकदमे अगर एक लोक प्रतिनिधि पे लगाए जाएंगे और उसको मिटाने के लिए कोई आलमा आ गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मिटाने के लिए। अगर ये शांतता रखने के लिए शहर में कोई आलमा आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं ये चाहता, अगर समझिए MIM समाजवादी पार्टी सभी पक्ष के लोग अगर धरने में बैठ जाते और उससे शहर का वातावरण खराब होता है और शहर के आलमा उनको भी अगर खत्म कराने जाए तो ये एक सुलहरेमी वाली बात होती। आलमा किसी पक्ष के नहीं होते। मेरी विनती है पॉलिटिकल लोगों को, आप बदतमीजी कीजिए, नगर सेवक को बोलिए, आप बड़े लीडर को बोलिए, आप हमको बोलिए, हम उसका जवाब हमारे तरीके से दे देंगे। औलमा खामोश है तो उनको बिचारी खामोशों को उनकी बुजदिली ना समझा जाए। क्यों एक भी शख्स जो है, एक भी औलमा को ना कोई उनके बारे में टिप्पणी करे, ना ही उनको पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे उनको इस्तेमाल किया जाए। मैं वापिस बोल रहा हूँ, इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ एनसीपी से। सानू भाई, इस वक्त मुमरा के लोग जो नाराज है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे इस पूरे मामले? देखिए मुमरा के लोग नाराज है, मैंने यही नाराज की, हमने हमारे पार्टी के बड़े लीडर अवार्ड सब तक भी पहुंचा दिए, और एक समझदार लीडर है वो 354 दाखिल होने के बाद वो आहत है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी है, और ऐसी उस मामले को लेके मुझे ऐसा लगता है इसीलिए उनके दोनों स्टेटमेंट देखा। कौन सा स्टेटमेंट पहले आया और बाद में आया इसकी पड़ताल मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट उनके सुना और लोगों ने भी सुने। हम लोग ये बात इकरार करते हैं कि ऐसी बातों पे कोई भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो तो आप इस्लामिक ताल्लुक से कोई भी बात ना करें।